हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज एक रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू वड़ी। महाराष्ट्रियन रेसिपी है तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। आलू के पत्ते के ऊपर बेसन का बैटर लगा लेना है, फिर पानी गर्म करके उसमें छोड़ देना है। 5 मिनट तक पकाए, फिर उसको ठंडा होने तक रखें, फिर उसको कट करके फ्राई करें। तो हम अभी फ्राई करेंगे, तो आप देख सकते हो फ्राई हो रहा है, तो लाल लाल होने तक हम उसे फ्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और खाने में भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग दोस्तों नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हो, तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से खाना चाहेंगे। एक बार बनाने से दोबारा बनाना भी आपको पसंद आएगा। जितने भी हैं हम उतने पूरे तल के निकाल लेंगे, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगे। अब देख सकते हो दोस्तों कितने बढ़िया तरीके से एकदम पक रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल आ रही है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। चम्मच की सहायता से हम पलटते पलटते उसे निकाल लेंगे। टमाटो, अदरक, जीरा, लहसुन का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, साथ में टमाटो भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा अभी पूरा अभी फ्राई भी हो चुका है, तो हम अभी निकाल ले रहे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, नहीं तो बनाने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम लोग अभी पूरा निकाल लेंगे। तेल हो गया है हमारा गरम, इसमें जीरा डाल देंगे अभी, और बाकी जितना मसाला हमने अदरक, जीरा और लहसुन, टमाटो का बैटर भी हमने डाल दिया है। हल्दी मिक्स कर लेंगे, हल्दी, नमक और सूखा मिर्ची। तो अभी हिलाते हुए इस प्रकार से आपको हिला लेना है, तभी डाल देंगे हम लोग आलू वड़ी को। ज़्यादा हिलाना नहीं है दोस्तों ये, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, टूट सकता है। तो पानी भी ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितना चाहिए, 1.5 गिलास। तो मुझे 1 गिलास चाहिए था, मैंने 1 गिलास ऐड कर लिया है। सूखा मिर्ची भी दे देंगे, अभी थोड़ा सा हिला देंगे। तब देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा सा कलर है और उतना खाने में भी टेस्टी लगेगा। थोड़ा और टेस्ट बना, धनिया पत्ती का यूज करेंगे। अभी लगभग हो चुका है, सब्जी पूरी उबल चुकी है, हम बंद कर देंगे। अभी निकाल के भी दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करें प्लीज़।